खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूपी कांग्रेस के नेता हैं जिनसे बात करते हैं कि आगे की रणनीति इन लोगों की क्या रहने वाली है, प्रियंका गांधी आखिर कब तक यहां रहेंगी और अगर वो यहां रहेंगी तो किस तरीके से आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। अजय राय हैं और अजय कुमार लल्लू हमारे साथ हैं। राय साहब, क्या आगे का कार्यक्रम आज रहेगा? आगे कार्यक्रम प्रियंका जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बिना मिले नहीं जाएंगे, तो अब सब प्रदेश की सरकार को ये जरूर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेले भी जा, हमें ले चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या ले चलिए या पीड़ित परिवार को ले आकर मुझसे मिलवा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन। कल रात को कमिश्नर आए थे यहाँ वाराणसी के, क्या बातचीत? यही बात हुई, वो बार बार ये बात कर रहे थे कि नहीं आपको मतलब जाने की बात करो। उन्होंने कहा नहीं, बिना मिले हम नहीं जाएंगे, मिलने के लिए मैं आए हैं। क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने फिर कहा कि मैं समय लिया उन्होंने और देखिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिना मिले नहीं जाएंगे, आप उनके परिवार को भी लेकर, इसके पहले भी जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां भी इसे मंदसौर में भी हुआ था तो राहुल जी से बुलाकर परिवार के लोगों से मिलवाया गया था, तो वो आप बुलवा कर मिलवा दीजिए दो चार पाँच परिवारों से, तो अपने आप सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि हम कल मिल लेंगे, उनके उनके दुख को जान जाएंगे, उनके साथ क्या हुआ हमें मालूम हो जाएगा, उसके बाद हम लड़। ये कहा गया है आप लोगों की तरफ से कि अगर प्रियंका जी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो पीड़ित परिवारों को यहाँ बुलवा कर। जी जी जी, प्रियंका जी ने ये बात कही है और हम लोग भी कांग्रेस के पूरी तरीके। प्रशासन का क्या रुख? अब प्रशासन ने इस पर रात को तो 2 बजे तक हम लोग थे, उसके बाद उन्होंने टाइम मांग कर वो चले गए, अभी कोई निर्णय उन्होंने नहीं दिया।